ये टेस्टी एंड डिलीशियस अचार को देख के आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। तो इस अचार को आप भी अपने घर बनाइए और एंजॉय करिए। इसलिए ही मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। आप इसे देखिए, बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गाजर और मूली का अचार। इसके लिए मैंने इस साइज़ की मूली को लेके, तीन मूली को मैंने लेके इस तरीके से देखिए पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। और इस साइज़ के मैंने तीन गाजर को भी लिया था, उसे भी मैंने ऐसे ही पतला पतला लंबा लंबा पीसेस में कट कर लिए हैं। और ये देखिए इस तरीके का इतना बड़ा दो अदरक हमने इस तरीके से पतला पतला लंबा लंबा कट करके लिया है। और ये ग्रीन चिलीज, ये 10 से 15 होंगी, इसे मैंने ऐसे बीच से कट करके लिया है। अब हम इन सब का अचार बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये कुछ मसाले हैं, जिसमें से ये देखिए ये हमने बनाया है अचार का मसाला। इसके लिए अब मैंने एक एक चम्मच हर एक चीज़ लिया था, मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा और मंगरेल, जिसे हम कलौजी भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने लिया है एक चम्मच, हमने लिया इसमें धनिया। इसको हम रोस्ट करके अच्छे तरीके से इसे मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम इसे पीस लेंगे। और ये है 4 टेबलस्पून। और हमारे पास ये है हल्दी, ये 1 टेबलस्पून है। और ये नमक है, ये 1 टेबलस्पून काला नमक है। और ये हमारे पास 3 टेबलस्पून सफ़ेद नमक है। और ये पीली राई है, मैंने इसे पीस करके लिया है, इसे हम डालेंगे 3 टीस्पून। और हमारे पास है 1/4 कप सरसों का तेल, ये प्योर सरसों का तेल है। तो चलिए हम इसे अब बनाते हैं। ये देखिए हमने एक बर्तन ले लिया है, अब अपने सारी सब्जियां इसमें डालेंगे। फिर इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें अपना हल्दी पाउडर डाल देंगे, फिर ये मसाला, फिर हम ये सफ़ेद नमक और काला नमक डाल देंगे इसमें, ये राई जो मैंने ली थी ये हम 3 चम्मच इसमें डालेंगे। राई डालने के बाद हम इसमें सरसों का तेल मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो, आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाल सकते हैं। मैं इसे बिना लाल मिर्च पाउडर के बना रही हूँ। सारा मसाला इसमें अच्छे से कोट हो चुका है। ये देखिए अचार, ये देखिए सबसे लास्ट में हमें इसमें डालना है विनेगर। ये मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हम 1 चम्मच डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर, ये देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मिला देंगे, जिससे ये अच्छे से कुछ दिनों तक चलता है। कोई अब इसे आप 2 दिन बाद आराम से खा सकते हैं। इसे आप 1-2 दिन के लिए ढक के हल्का कांच के बर्तन में धूप में भी रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको खाइए। ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है अचार। ये अचार आप आराम से सिर्फ 10-15 मिनट में आराम से बना सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रही है।